नमस्कार और एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में साक्षर क्यों। हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और हमारी टारगेट ऑडियंस समाज का वही वर्ग है जिनकी आयु 15 से लेकर 35 वर्ष की है, जिन्होंने शायद स्कूल और कॉलेज में ज्यादा पढ़ाई करने का जिन्हें अवसर ना मिला हो, लेकिन जिन्होंने अपनी परिस्थितियों से संघर्ष किया और ये साबित कर दिया कि वो भी जानकारी रखते हैं, अवेयरनेस रखते हैं। भले ही फॉर्मल तरीके से वो साक्षर ना हो, लेकिन किसी से पीछे नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अपने निजी विकास के लिए और देश के विकास के लिए सबसे आवश्यक है साक्षरता, पढ़ाई लिखाई। शायद आप में से कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो मुझसे कहेंगे कि ये जरूरी नहीं है, देश के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज है पैसा। देश के पास रुपया होना चाहिए, देश के पास आमदनी होनी चाहिए, तो देश सबसे विकसित होगा। ये सही नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिन्होंने अपनी 2001 की रिपोर्ट में यह साबित किया है कि जिस देश में साक्षरता 99 से लेकर 100% है, उस देश में जीवन का स्तर सबसे ऊंचा होता है। मिसाल के तौर पर एक देश है लक्समबर्ग यूरोप में, वहां की प्रति व्यक्ति की आय जो है वो लगभग 42,000 अमरीकी डॉलर है प्रति साल, दुनिया में सबसे ऊंची। लेकिन जीवन स्तर पर उनकी पोजीशन, उनकी रैंक केवल 12 नंबर पर है, क्योंकि वहां पर साक्षरता बहुत कम है, 100% से कहीं कम है। बाकी के जो देश हैं जिनकी आमदनी उनसे कम है लेकिन साक्षरता 99 या 100% है, वो इस लिस्ट में बहुत ऊपर निकल जाते हैं। अगर भारत भी अपनी साक्षरता बढ़ाकर 90% तक ले आए तो शायद हम दुनिया के पहले 40 या 50 विकसित देशों में से हो सकते हैं। आज का हमारा यह कार्यक्रम एक प्रतियोगिता नहीं है, एक खेल नहीं है, एक मुलाकात है जिसमें हमारे ये नौजवान साबित कर देंगे कि भले ही वो स्कूल या कॉलेज में ना गए हों, लेकिन साक्षरता में, अवेयरनेस में किसी से कम नहीं है। आपकी मुलाकात तुरंत इनसे करवाते हैं। हमारी दो टीमें यहां पर मौजूद हैं, इस समय बहुत सीरियस लग रही हैं, लेकिन अब मुस्कुराएंगी। पहली हमारी टीम है गंगा, और गंगा टीम के सदस्य खुद अपना परिचय देंगे। मेरा नाम निर्मला है, मैं जिला आजमगढ़ से आई हूँ और मैं इस टाइम पढ़ाई कर रही हूँ। आप पढ़ाई कर रही हैं, साक्षरता आपके लिए क्या मायने रखती है निर्मला? मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, उसमें पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। आप जरूरी समझती हैं? हाँ। आपके माँ बाप पढ़े लिखे हैं? नहीं। और आप पहली जनरेशन हैं अपने परिवार में जो पढ़ाई कर रही हैं। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम सुमित्रा है, मैं प्रतापगढ़ से आई हूँ। यहाँ पे मैं आके हमें पढ़ने का मौका मिला है और हम पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे माँ बाप पढ़ाई लिखे नहीं। पढ़ाई अच्छी लिखती है आपको? यस। मुझे तो बहुत कठिन लगती थी पढ़ाई, लेकिन बहुत जरूरी है। और जो हमारी दूसरी टीम है वो है यमुना। नारायण सिंह मेरा नाम है सर। कहाँ से आए हैं नारायण सिंह जी? अल्मोड़ा उत्तरांचल। अरे वाह, तो देश के हर कोने से यहाँ पर लोग आए इस कार्यक्रम में भाग लेने। और आपके लिए पढ़ाई के, शिक्षा के क्या मायने? शिक्षा के मायने सर, पढ़ने, पढ़ाई करना चाहते हैं हम। पढ़ाई करना चाहते हैं आप? क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी का काम करते हैं सर। और अगर आप पढ़ाई करेंगे फिर क्या करेंगे? पढ़ाई तो कर ली हमने, आर्ट पास कर ली। अच्छा, और उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश की लेकिन आपकी परिस्थितियों ने आपको पढ़ने नहीं दिया। और आपके साथी कौन है? रामकृपाल राय जी, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं मजदूरी का काम करता हूँ, लेकिन शाम को गांव के पास ही प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में पढ़ता हूँ, ताकि आगे कुछ काम अच्छा से कर सकूं। बहुत खूब, देखिए शाम को पढ़ते हैं ये, बहुत खूब। दोस्तों हमारी एक विशेष मेहमान है आज, मेहमान साहिबा हैं जो मेरे साथ बैठी हैं। नाम इनका है अंजलि अरोड़ा। नेत्रहीन इन्हें लोग कहते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते, क्योंकि ये हमसे बहुत अच्छा देख सकती हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मा से, अपने दिल से देखा है। और आज ये एक वकील हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर।
अंजलि जी, ये जो आपके साथ हादसा हुआ, आपकी आंखों के साथ किस उम्र में हुआ? आज से 15 साल पहले, करीब 12 साल की उम्र में। और आपको उस समय बहुत बुरा लगा? हाँ, शुरू शुरू में तो बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत सवाल थे कि पढ़ाई आगे कैसे होगी, क्योंकि मैं उस समय स्कूल जा रही थी, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी। तो सबसे पहला सवाल तो यही था कि पढ़ाई करनी है पर कैसे होगी, इसका अंदाजा नहीं था। और फिर उसके बाद आपने क्या फैसला किया? उसके बाद फैसला यही हुआ कि पढ़ाई की जा सकती है, हर परिस्थिति में की जा सकती है, तो मैं क्यों ना करूं। क्या बात है, हर परिस्थिति में की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग तैयार हैं, अंजलि जी अगर आपकी अनुमति है, तो आज की ये प्रतियोगिता, ये खेल, ये मुलाकात हम आरंभ करते हैं हमारे प्रश्नों के साथ। मेरे पास ढेर सारे प्रश्न हैं दोनों टीमों के लिए, गंगा के लिए और जमुना के लिए, और अगर आपने हमारे प्रश्न का सही उत्तर दिया तो आप ये आवाज सुनेंगे, और अगर किसी कारण आपका जवाब गलत है तो आप ये सुनेंगे। हर सही जवाब के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे, लेकिन निराश ना होइएगा अगर कार्यक्रम के आखिर में आपके अंक कुछ कम है, क्योंकि हम एक डबल जैकपॉट भी खोलेंगे। हमारे सामने एक घड़ा पड़ा हुआ है, उस घड़े के अंदर कुछ प्रश्न हैं। दोनों टीमों को मौका दिया जाएगा कि इस घड़े में से एक प्रश्न निकाल के उसका जवाब देने की कोशिश करें। अगर सही जवाब उन्होंने दिया तो उनके जो अंक हैं वो दुगने हो जाएंगे। और जो हमारे स्टूडियो में समय विशेष मेहमान मौजूद हैं, जो बहुत जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, अगर उन्होंने हमारे कुछ प्रश्नों का सही जवाब दिया तो उन्हें भी हम पुरस्कार देंगे। तो अगर आप लोग सब तैयार हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अब यह हमें बताइए कि विवाह के लिए लड़की की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 24 वर्ष? 18 वर्ष। आप क्या सोचते हैं, 18 साल होनी चाहिए या 24 साल होनी चाहिए? कानूनी तौर पे 18। अच्छा, देखिए जितने लोग यहां पर मौजूद हैं वो सब कह रहे हैं 18, और वो बोले। अब बारी है हमारी दूसरी टीम की, जमुना की। आपका विवाह हो चुका है? जी। हो चुका है तो मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? विवाह एक बहुत ही अच्छा संबंध है। और ये रहा आपका प्रश्न, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलो, 1000 किलो, 10 किलो या फिर 50 किलो? 100 किलोग्राम। 100 किलो होते हैं 1 क्विंटल में। इन्होंने कहा 100 और आप बोले। अब आप दोनों के 10-10 अंक हो चुके हैं, क्योंकि आपने हमारे प्रश्नों का सही जवाब दिया है। यदि बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उसे किस चीज का घोल पिलाया जाता है? नींबू और शहद, नमक और नींबू, नमक और चीनी, नारियल पानी? नमक और चीनी। ये दोनों ने इकट्ठे कह दिया, नमक और चीनी, और वो बोले। ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न, यमुना जी। भांगड़ा नृत्य, आपने उसका नाम सुना है, एक बहुत ही खूबसूरत नृत्य है भारत का। हमें ये बताइए, भांगड़ा नृत्य किस प्रदेश में प्रचलित है? बिहार में, पंजाब, राजस्थान या उड़ीसा? आप बताइए। पंजाब में। आप एक दूसरे से बात कर लीजिए, आपने कहा पंजाब, आपने कहा पंजाब, मिलके आप क्या कहेंगे? मिलके पंजाब कहेंगे। देखिए, ये मैंने जान के इन दोनों से कहा था कि आपस में सलाह मशवरा कर लें। किसी ने हमसे कहा है कि जहां पर एक भारतीय होता है वहां पर एक राय होती है, जहां पर दो भारतीय होते हैं वहां 3 राय होती हैं, अलग अलग दोनों की और एक दोनों की मिलकर, लेकिन यहां पर तो केवल एक ही राय है। इन्होंने कहा पंजाब और आप बोले। बहुत खूब, अब आपका भी स्कोर जो है वो बढ़ के हो चुका है 20। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, और यह है आपके लिए, गंगा टीम के लिए। प्रश्न हमारा, वाराणसी, आपने नाम सुना है ना वाराणसी का, कभी गई है वहां? कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती, घाघरा, गंगा या राम गंगा? मेरी बात माने तो गंगा कह दीजिए। घाघरा। देखिए, मेरी बात नहीं सुनती है आपसे, मेरी कुछ छवि इतनी खराब हो चुकी है कि यहां कोई मेरी बात नहीं सुनता। आपने आपस में सलाह मशवरा कर लिया है, सलाह मशवरा करने के बाद आपने बोला घाघरा। बहुत खूब, क्या ये सही है? लीजिए दोस्तों, अब ये हमारा प्रश्न आप सबके लिए है,
इन्होंने बताया घाघरा, और अब बचते हैं तीन, आपके पास चॉइस बची हैं गोमती, गंगा या रामगंगा। एक हमारी बहन ने हाथ उठाया है, अपना नाम बताएं। मेरा नाम वीरा है। आप क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं? अब ये बताइए कि कौन सी नदी पर वाराणसी बसा हुआ है? गंगा। आपने कहा गंगा, मैंने भी इनसे कहा था गंगा, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, आपने मेरी बात मान ली, आपने कहा गंगा और वो बोले। अगला प्रश्न, आपको मालूम है ना गंगा की आपके केवल 20 अंक हैं। अब बारी है जमुना की, और जमुना बड़े ध्यान से अपने प्रश्न को सुनिएगा। भारत में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में 14 नवंबर, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त या 26 जनवरी? 15 अगस्त। गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 नवंबर, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त या 26 जनवरी? आपस में सलाह मशवरा करके हमें जवाब दीजिएगा। बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, शर्माइएगा मत, यहां पर पूछ रहे हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त या 26 जनवरी, फैसला करिए। 26 जनवरी, मेरी राय मानिए तो 14 नवंबर कह दीजिए। नहीं, नहीं मानते हैं मेरी राय, कहते जी हम आपकी राय मानते ही नहीं, आप हमेशा झूठ बोलते हैं। आपने कहा 26 जनवरी और आप बोले। 30 अंक अब यमुना के हो चुके हैं, खूब मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में भाग लेना, अच्छा लग रहा है ना आपको? हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ हैं, और आप लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं आप भी मुस्कुराते रहिए। अगला प्रश्न हमारा टीम गंगा के लिए तैयार है, आपके लिए हम एक धुन बजा रहे हैं, आपको इस धुन को बड़े ध्यान से सुनना है और आपको हमें यह बताना है कि इसके बोल क्या हैं। आप धुन सुनने के लिए तैयार हैं गंगा? बताइए। अब देखिए देखिए, अभी को जरा गा के सुनाए, जरा आप म्यूजिक बजाए और ये दोनों गाएंगे आपके साथ, हो जाए शुरू आप लोग। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। शुक्रिया, बहुत खूब। अब ये मुझे मालूम नहीं है कि जो आपने कहा ये सही है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये। अच्छा भाईजान, आप कुछ उदास लग रहे हैं, क्यों? नहीं। उदास नहीं लग रहे, आप भी हंस रहे हैं, तो एक धुन आपके लिए भी हम बजा रहे हैं और आपको बताना है कि इस धुन के बोल क्या हैं। बजाइएगा धुन। जी नहीं बता पा रहे, हार मान ली, जिंदगी में हार कभी मत मानिएगा, कुछ भी कह दीजिएगा। मैं बताऊं आपको कौन सी धुन है? मुझे खुद नहीं मालूम ये कौन सी धुन है, ये तो हमारे कंप्यूटर को मालूम है, आप में से कौन जानते हैं? ये जो हमारी बहन बीच में बैठी है, अब आप बताइए कौन सी धुन है? आधी लाइन आती है, आधी लाइन बता दीजिए। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। जो इन्होंने गीत सुनाया, जो इन्होंने बोल कहे, क्या वो सही थे? ये रहा हमारा अगला प्रश्न गंगा के लिए। गंगा, उस बैंक का नाम बताइए जो भारतीय रुपए के ऊपर लिखा होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रुपए के ऊपर लिखा होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपने कहा। आपका क्या विचार है, हमारे विशेषज्ञ जो यहां बैठे हैं? बिल्कुल एकदम सही है, आपका विचार ये है और उनका विचार बहुत सही फरमाया गंगा टीम, बिल्कुल सही आपने कहा। ये अब रहा इनके लिए हमारा अगला प्रश्न। जमुना, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या नैनीताल? जल्दी से हमें बताइएगा। लखनऊ। आपने मुझे सवाल पूरा ही नहीं करने दिया, पहले ही बोल दिया आपने। चलिए, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और आप बोले।
इस समय हम लोग बातचीत करेंगे हमारी विशेष मेहमान साहिबा जो यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। नाम इनका है मिस अंजलि अरोड़ा और आप वकील हैं। अंजलि जी, कहाँ पर आप प्रैक्टिस करती हैं? जी, मैं दिल्ली में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मेरा थोड़ा सा। वकालत में आपने बताया कि 12 साल की उम्र में आपको कठिनाई हुई अपनी दृष्टि के साथ, तो वकालत में आप क्यों गई? जिस तरह साक्षर होने से और शिक्षित होने से विकास होता है और अपने अधिकारों की जानकारी होती है, उसी तरह मैंने सोचा मेरी परिस्थिति के हिसाब से मुझे अपने अधिकारों के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी भी है, तो मैंने वकालत। और उन लोगों के लिए भी सोचा जो लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते, उनके लिए मैंने सोचा मैं ऐसा प्रोफेशन चूज़ करूँ जहाँ मैं उनको जानकार बना सकूँ। अंजलि जी, आप जो वकालत करती हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कभी आपको ऐसा लगा है कि जो दूसरे वकील हैं जो देख सकते हैं, शायद उनको आपके की अपेक्षा कुछ एडवांटेज हो? एडवांटेज जो है वो उनके अपना गिफ्ट ऑफ गॉड जो है बस वहीं तक है, बाकी मेरिट में तो कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज उनको भी नहीं होता। और आप ये नहीं समझती कि किसी प्रकार की आपको कठिनाई होती है उनका मुकाबला करने में और उन्हें पराजित करने में? नहीं, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती हमारी। अंजलि, आप एक जीती जागती मिसाल हैं उन लोगों के लिए जिन्हें किसी प्रकार की शारीरिक कठिनाई हो और जो वो सब कुछ नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं। आपका संदेश उन सब के लिए, ऐसे लाखों भाई बहनों के लिए क्या है? एक तो प्रयत्न करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। हर प्रतिकूल परिस्थिति में ही अपना टेस्ट होता है जिसको कहते हैं, हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए, सपने देखने चाहिए, पूरा करने के लिए सक्षम बनना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा नहीं छोड़नी चाहिए। बोलिए बोलिए बोलिए। और कठिनाइयां सबको आती हैं और उनसे उन पर विजय पाना ही से ही पता चलता है कि आप कितने सक्षम हैं। हमें ये बताइए कि अगर 3 इस देश की कमियां आपसे कहा जाए कि अंजलि जी एक दिन के लिए सारी शक्ति आपको दी जाती है, 3 कमियां इस देश की दूर कर दीजिए, वो कौन सी 3 कमियां हैं सबसे जरूरी जिन्हें आप समझते हैं जिन्हें सबसे पहले आप दूर करना चाहेंगे? एक तो निरक्षरता हटाऊंगी सबसे पहले, उसके बाद शिक्षित होने के बाद जो लोग चाहते हैं करना, अपनी शिक्षा का उपयोग करना चाहते हैं, जिस एरियाज में करना चाहते हैं, मैं चाहूंगी वो सारे एवेन्यूज खुले उनके लिए, सबको वही नौकरी मिले जो वो करना जो वो करना चाहते हैं। और तीसरा ये कि जो भेदभाव होते हैं, चाहे शारीरिक डिफरेंसेस की वजह से, चाहे इकोनॉमिक डिफरेंसेस की वजह से, वो भी दूर हो, वो हमारे मानसिक जो हमने बनाए हुए बैरियर्स वो हटाए जाए। अंजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जो विचार आपने आज हमें दिए हैं उनसे हम सब का मुझे लगता है दिल भर आया है, हमारा दिमाग भी भर चुका है और हम यही चाहते हैं कि जो कामयाबी आज तक आपको मिली है कहीं ज्यादा उससे कामयाबी आपको मिले। अंजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब वापस लौटते हैं दोनों टीमों की तरफ, गंगा और जमुना। ये रहा हमारा अगला प्रश्न और ये है हमारी टीम गंगा के लिए। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य से संबंध रखते हैं? बांसुरी, तबला, सितार, गिटार। अब आपको यह बताना है किस वाद्य से संबंध रखते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी, तबला, सितार या गिटार? मेरी बात मानिए तो बांसुरी कह दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। अंजलि जी, आप कुछ मत कहिएगा, अब हंस रही हैं आप बैठी बैठी यहां पर, बताइएगा मत उनको, जल्दी से बताइएगा, आपके पास समय की बहुत पाबंदी है। बात माननी मेरी आपने? एक बार तो मान के देखे। एक बार मान के देखे, देखिए। नहीं नहीं, अपने आप सोच लीजिए। अपने आप सोच लीजिए, वो सहमत नहीं है, लेकिन आप देखिए, आप फैसला कर लीजिएगा। कर लिया आपने, आप बताइए क्या ये सही है? ये रहा हमारा अगला प्रश्न और ये है हमारी टीम जमुना के लिए। जमुना भाई, आप तैयार हैं? ये रहा, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन चलाने की क्या उम्र तय की गई है? 20 साल, 18 साल, 21 साल या 16 साल?
यह आपको हमें बताना है, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन चलाने की क्या उम्र तय की गई है, 20 साल, 18 साल, 21 साल या 16 साल? 20 साल। आपने कहा 20 साल और हमारे विशेषज्ञ बोले, इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब जानते हैं कि आपके नंबर उतने ही रहे, बढ़ेंगे नहीं। अब देखें ये किसको पूछा जाए, ये हमारी बहन यहाँ और बैठी है नीसा। और जरा और मुस्कुराइए, ये होना बात नीसा जी। अब बताइए 18 साल बचे हैं, 21 साल बचे हैं और 16 साल? 21 साल की उम्र में चला रहे। 21 साल की उम्र तय की गई है और हमारे विशेषज्ञ बोले, देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब एक मौका देते हैं, ये जो भाईजान आगे बैठे हैं इनको दीजिएगा, बताइए कि कितनी उम्र तय की? 18 साल। ये रहा अगला प्रश्न और ये है हमारी टीम गंगा के लिए। गंगा बड़े ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को, बहुत कठिन टेढ़ा है। इनमें से कौन सा शहर साड़ी निर्माण के लिए विख्यात है, चंदेरी, चित्रकूट, बांधवगढ़, भोजपुर? साड़ी निर्माण के लिए इनमें से कौन सा शहर विख्यात है, चंदेरी, चित्रकूट, बांधवगढ़ या भोजपुर? भोजपुर साड़ी के लिए। जी जी, भोजपुरी साड़ियां तो बहुत खूबसूरत होती हैं और हमारे विशेषज्ञ बोले। तो अब ये प्रश्न किसी और से पूछा जाए। भाईजान आप साड़ियों के बारे में जानते हैं, अब बताइएगा कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चंदेली। चंदेरी। अंजलि जी आप सहमत हैं इनके साथ? हाँ जी। अब देखिए अगर वकील साहिबा सहमत हैं तो विशेषज्ञ बोले। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा राज्य है जिसमें औरतों में साक्षरता सबसे कम है, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान या असम? औरतों में साक्षरता जिसमें सबसे कम है, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान या असम, जल्दी से बताइए। राजस्थान। मैंने सोचा आप असम कहने वाले हैं, सोच लीजिए मेरी बात मानेंगे या राजस्थान पर ही टिके रहेंगे? जल्दी से, मैं आपको केवल 3 सेकंड और दे रहा हूं। राजस्थान। और आप भी सहमत हैं? चलिए अब इन्होंने भी कहा राजस्थान, इनके पार्टनर ने भी कहा राजस्थान और उन्होंने कहा गंगा के पास 50 हैं, यमुना के पास 50 हैं। हमें यह बताइए गंगा बुलंद दरवाजा कहां स्थित है, आगरा, हैदराबाद, औरंगाबाद या फतेहपुर सीकरी? बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, आगरा, हैदराबाद, औरंगाबाद या फतेहपुर सीकरी? अगर आप इन चारों जगह में कभी नहीं गई हैं कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी कभी नहीं गया, जल्दी बताइए ये कहां पर स्थित है बुलंद दरवाजा? मेरी बात मानिए तो फतेहपुर सीकरी कह दीजिए, नहीं कहना चाहती हैं तो आगरा भी है, हैदराबाद भी है, औरंगाबाद। मेरी बात मान लीजिए, देखिए अगर गलत हुआ तो क्या होगा? कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। फतेहपुर सीकरी गलत रहा तो कोई बात नहीं, इन्होंने कहा फतेहपुर सीकरी और आप बोले। और ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न, गोल्डन टेंपल यानी स्वर्ण मंदिर जो है किस शहर में स्थित है, अमृतसर, पटना, काशी या सारनाथ? अमृतसर। इन्होंने कहा अमृतसर और आप बोले। आपका स्कोर बढ़ के अब 60 हो गया है, गंगा का भी 60 है। हमारे पास ये देखिए घड़ा आपके सामने पड़ा है, इसमें प्रश्न है और अगर आपने इन प्रश्नों का सही जवाब दिया तो आपके जो अंक हैं वो दुगने हो जाएंगे। आप तैयार हैं उसके लिए? शुक्रिया, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न चुना है इनके लिए और अगर आपने इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया आपके अंक जो हैं वो दुगने हो जाएंगे। तैयार हैं आप लोग? गंगा आपस में सलाह मशवरा करिएगा, उस जानवर का नाम बताइए जो पानी पिए बिना कई दिनों तक जीवित रह सकता है, हाथी, भेड़, ऊंट या बकरी? आपस में सलाह मशवरा कर लीजिएगा। अब देखिए मैं ये जानता हूं कि मैं काफी ऊंचा लंबा हूं, मेरी तरफ देख के कह रही हैं ऊंट। आपने कहा ऊंट और आप लोग क्या बोले?
अब देखिए आपका स्कोर तो दुगना हो चुका, बारी आपकी है यमुना, हो सकता है कि आपका भी स्कोर दुगना हो जाए और शायद हम आपको बहुत अच्छा एक पुरस्कार दें। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सिल्क बनाने वाले कीड़े किस पेड़ पर पाए जाते हैं? सिल्क जानते हैं ना आप, सिल्क क्या होता है, उसको बनाने वाले कीड़े किस पेड़ पर पाए जाते हैं? आम, पीपल, नारियल या शहतूत? शहतूत। शहतूत। ये जानकारी थी कि तुक्का लगाया है? नहीं, तुक्का नहीं लगाया। तुक्का नहीं लगाया है। इन्होंने कहा शहतूत और आप बोले दोनों टीमों का स्कोर बिल्कुल बराबर है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि दोनों ही टीमें इस प्रतियोगिता को, इस मुलाकात को, इस खेल को जीती हैं। अब वही समय आ रहा है जो हमेशा आता है, हर कार्यक्रम में आता है, जब हम आपसे विदा लेते हैं। लेकिन इससे पहले अंजलि जी से मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमारे ऑडियंस में 3 विजेता हैं वो आकर अपने पुरस्कार अंजलि जी से, उनके हाथों से ये पुरस्कार लें। आइएगा अंजलि जी, और ये रहा पहला पुरस्कार मैं आपको दे रहा हूं, ये आप यहीं खड़े रहिएगा और इनको दीजिएगा जो आपके पास आए। Yeah, definitely.